हे फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा हिल है राजैना में, एक छोटा सा हिल है वास्करा लेक के पास, जहाँ पर छोटा सा हिल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सब आते हैं। यहाँ पर आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज है फुल मून डे। फुल मून्स तो बहुत देखे हमने, लेकिन बोलते हैं ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फुल मून है, बहुत बड़ा है बोलते हैं। उसे बोलते हैं हार्वेस्ट मून ऑल्सो। हार्वेस्ट मून उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पुराने ज़माने में जब इस लाइट वाइट नहीं था, करंट नहीं था, तो लाइट्स नहीं थे पूरे, तो उस वक्त जो किसान लोग थे उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम रहता था, जब फसल कटने का टाइम रहता था, तो दिन उनके लिए पूरा नहीं पड़ता था कि भाई, तो जब यह होता था जैसे जैसे ये बोलते हार्वेस्ट मून आता था, तो लोग बहुत खुश रहते थे क्योंकि उसका लाइट इतना पड़ता था खेतों पर कि वे आराम से फटाफट काट के सुबह मार्केट में भेज सकते थे अपना फसल जो भी है, तो इसलिए उसका तब से इसका नाम हार्वेस्ट मून भी पड़ा है। तो इस बार का जो हार्वेस्ट मून है बोलते हैं कि यूनिक है, बिल्कुल अलग है, देखते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए, देखेंगे। बट वही नहीं, यहाँ का यहाँ से और एक चीज़, सनसेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं सनसेट मेरे पीछे तरफ, नहीं दिख रहा नहीं होगा आपको यहाँ से, दिखेगा नहीं, फिर भी मैं रुको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। एक ये देखिए, यहाँ सनसेट भी हो रहा है। अब इसी के ऑपोजिट में देखेंगे हम जो सुपर मून निकलने वाला है, और हार्वेस्ट मून, सुपर मून या हार्वेस्ट मून कुछ। फिलहाल मैं अभी लुफ्त उठा रहा हूँ ये सनसेट का, इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में, जो मेरे छत पे मैंने रखा हुआ है अपना गोप्रो टाइम लैप्स लेने के लिए, वो चल रहा है। ऐसे मैंने आज तक देखा नहीं है, तो ये मेरी पहला चांस होगा देखने का, अगर सही में आया तो। इतना पक्का पता नहीं है, फिर भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं और भी लोग आए हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बस कुछ लोग आए हुए हैं। ऐसे नॉर्मली यहाँ लोग आते रहते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है सनसेट का। आप देख सकते हैं वहाँ लेक भी दिख रहा है, ये सनसेट लेक। अभी मून का इंतजार हो रहा है ऑपोजिट टू सनसेट, जैसे सनसेट होगा यहाँ कहीं से निकलेगा मून, इंतजार हो रहा है, लेट्स सी। अभी तक सुपर मून का कुछ आता पता नहीं है, लेकिन सूर्य जीत जा रहे नीचे। सन यहाँ सेट हो रहा है और मून का यह इंतजार हो रहा है, बड़ा सा मून आएगा, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ के यहाँ का पीछे का नज़ारा देखो कितना प्यारा है ना, सनसेट होता होगा। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है यहाँ से, जो उस तरफ है वहां पर पूरे स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम भी है उधर, है छोटा सा स्टेडियम मतलब ग्राउंड है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर होता है बेसबॉल और रग्बी, दैट अमेरिकन फुटबॉल, जिससे 20-25 लोग लेके बॉल भागते हैं, फुटबॉल नहीं अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी होता है यहाँ ज़्यादा, बेसबॉल और रग्बी। सुपर मून तो आया नहीं, लेकिन सन ने बहुत अच्छा कमाल दिखा दिया, देखो क्या ब्यूटीफुल।
सुपर मून का इंतजार करते गए, बट सूरज डूब गया लेकिन सुपर मून बाहर नहीं आया तक। लेकिन जो सूरज डूबा है, क्या डूबा है, इतना अच्छा उसने बताया कि सुपर मून का क्या देखते हो, मुझे देखो बोलता है। जैसे मैं अपना फेस दिखाता हूँ पीछे का सूरज गायब हो जाता है, मैं बड़ा सूरज हो गया। ये देखिए और ये मैं आया पिछले सीन का है। One eternity later. वो रहा सुपर मून, काफी दूर है लेकिन इतना साफ नहीं आ रहा मेरे कैमरे में, अभी ऊपर आया नहीं है। ऐसे जो मैं सोच रहा था और जो मैंने नेट में देखा था सुपर मून के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे नेट में दिखा रहे थे काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा, तो उससे मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि भाई सुपर मून देखते हैं। खुदा बाहर निकला चूहा, ये हो गया मेरे साथ। जितना लोगों ने बोला था सुपर मून सुपर मून सुपर मून है, अच्छा लग रहा है, गोल सा अच्छा लग रहा है, लेकिन काफी दूर है, छोटा है लग रहा है। I was expecting something big, बड़ा सा बॉल बाहर आ रहा है, लेकिन बहुत छोटा निकला। Anyway, it was good, but यहाँ आके अच्छा लगा क्योंकि sunset was beautiful, है कि नहीं? पसंद आएगी नहीं sunset? तो भाई एटलीस्ट सनसेट के तो एक लाइक बनता है। चलो टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय। Till I get up, time is barely on